नमस्ते सत श्री अकाल एंड आदाब। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग आवर वीडियो। और काफी सारे वीडियोस के बाद इस बार मैं आपके लिए फर्स्ट टाइम बेस टू टॉप आपके सामने ई वेरिएंट, नहीं आपको तो एसएक्स लग रहा होगा बट इट्स अ बेस वेरिएंट जिसको हमने एसएक्स किया है। तो ये रहा आपके सामने क्रेटा बेस मॉडल जिसको हमने टॉप मॉडल बनाया है। इस कार में प्रोडक्ट की यूज किए गए सारे एसेसरीज में से मैक्सिमम जो भी हमें हुंडई जेन्युइन की मिल सकती थी हमने इंस्टॉल किया है, सिवाय अलॉयज के वो कस्टमर नहीं जाके अपने होम टाउन में चेंज करवाने वाले हैं। तो क्या क्या लगा है इस कार में चलिए देखते हैं। मैंने बताया आपको हुंडई जेन्युइन की OEM ग्रिल जिसमें आपको आउटलाइन क्रोम की और यहाँ सिल्वर ग्रे फिनिश में मिलती है। दिस इज द हुंडई जेन्युइन OEM ग्रिल जो हमने इस कार में इंस्टॉल किया है। इसके साथ हमने ओरिजिनल हुंडई जेन्युइन फॉग लाइट्स यूज करी है जिसमें हमने E4 की LED यूज की है और उसके साथ हमने इसमें ट्रायो हेडलाइट इंस्टॉल किया है। हुंडई जेन्युइन ट्रायो हेडलाइट अगेन हमने इंस्टॉल करी है। आपको दिख रहा होगा ये बहुत खूबसूरत दिखता है बिकॉज बेस से टॉप करने में थ्री थिंग्स विच आर नेसेसरी आर ट्रायो हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स एंड दी OEM ग्रिल्स। दीज थ्री थिंग्स विल मेक यू कंप्लीट व्हेन यू वांट इट टू बी कन्वर्टेड टू टॉप मॉडल। Back to those days I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary like I am Robin Hood. So, iske saath humne install kiya in the front part the diffuser. As you can see, this perfect diffuser which is matte black and has a slight chrome finish with this skid plate. As you can see in the bottom, it's an aftermarket diffuser with the skid plate altogether attached to the fitment. Kaafi acha look deta hai. From far of distance when you see, you have a proper overall Creta ki jo bottom part hai, jo khali khali sa dikhta hai, it makes it complete. इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटीरियर में हमने और क्या इंस्टॉल किया है। इसमें हमने हुंडई जेन्युइन की ऑटो फोल्डिंग इंस्टॉल की है। दैट इज द वन व्हिच वी डिड विद निश एंड परफेक्शन। आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ इसके स्विच की तरफ। विदाउट हैविंग चेंज द ट्रिम हमने इसमें इसके स्विच के लिए आप देख सकते हैं परफेक्ट स्विच का कटिंग हुआ है। Looks perfect, right? So, ये अपनी ऑटो फोल्डिंग मिरर किट जो है इंस्टॉल की गई है हुंडई जेन्युइन की। मैंने पहले भी दूसरे चैनल के वीडियोस के थ्रू मैंने दिखाया है इसको बट दिस टाइम आई थॉट बेस से टॉप अगर हम एक वीडियो दिखा रहे हैं क्रेटा पे तो उसमें क्या क्या काम हो सकता है वो सारा दिखा रहे हैं। सो एक्सटीरियर में आफ्टर ऑटो फोल्डिंग मिरर किट मैं आपको दिखाता हूँ रूफ रेल्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द रूफ रेल। हम इसे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं बिकॉज the genuine one you get it for 12,000 or 13,000 rupees but this comes from Exum. We have installed it for 3,500 rupees. You can see the fit and finish, there is no gap as such. Humne customer ko Mtech ka bola tha but humne unko Exum diya because we have a better option compared to Mtech. So roof rails mein Mtech is a very premium brand, Indian brand. Exum, it's again a very premium product of India itself aur iski jo quality hai export quality rehti isliye humne इसमें एक्सूम का रूफ रेल दिया है। और साथ ही फर्स्ट टाइम इन कोलकाता जीवा ब्रांड में हमने जीवा ब्रांड दैट इज अ ब्रांड विच इज आवर इन हाउस ब्रांड नाउडेज हम इस ब्रांड के क्रोम लाइन डोर वाइजर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि इस डोर वाइजर के क्रोम में आपको 2 to 3 years का एश्योरेंस मिलता है कि इसकी क्रोम की जो क्वालिटी है इसमें कोई फेडनेस या कोई रेडिशनेस नहीं आएगी। और साथ ही ये ब्रॉड होता है काफी, ये इंजेक्शन मोल्डेड होता है, ये बहुत ही अच्छा आप इसमें देखेंगे यहाँ पे यू हैव अ कर्वी थिंग विच डजंट अलाउ द रेन वाटर्स टू गेट इनटू योर कार। सो ये सारे फीचर्स के साथ ये डोर वाइजर के
ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन यस वी हैड दिस प्रोडक्ट जस्ट सील्ड ओपन टुडे। साथ ही एक्सटीरियर के लिए डोर गार्ड्स है। सो हुंडई जिम्नी में और क्या लगा है, इन द रियर पार्ट वी हैव इंस्टॉल्ड दिस एलईडी टेल लाइट। एज यू कैन सी इट्स हुंडई जिम्नी अगेन, द कार्स कलर एंड दिस मैचेस परफेक्टली, सो यू कैन मेक आउट ये आफ्टर मार्केट कलर की हुई नहीं है, दिस इज कम्प्लीट एलईडी टेल लाइट फ्रॉम हुंडई जिम्नी अगेन। और इसके साथ आप अभी ब्रेक पे देख सकते हैं, यू हैव दिस थ्री रिफ्लेक्टर्स इनसाइड विद अ स्मॉल वन इन द एज, ये काफी प्रीमियम लुक देता है। और इसके साथ हमारी जो बेस मॉडल वाली ट्रंक है वो भी काफी कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर्स और इसका जो है एक मैचिंग रहता है। एज यू कैन सी नाउ रियर ब्रेक लाइट विद द ब्रेक लाइट इनसाइड द एलईडी टेल लैंप्स, और साथ ही हमने इसके रिफ्लेक्टर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, हमने उसको जेन्युइन छोड़ के डिफ्यूजर जो फ्रंट वन है उसकी कंटिन्यूएशन हमने बैक साइड में दी है। ये एक्सटीरियर दिखाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ हुंडई जेन्युइन की इंस्टॉलेशन इन द इंटीरियर पार्ट। सो फर्स्ट थिंग इन द पाइपलाइन इज द स्टीयरिंग कंट्रोल, नेक्स्ट इज योर क्रूज कंट्रोल, ऑल इंस्टॉल्ड एट NS AutoZone। इसके साथ हमने स्टीयरिंग रैप यूज करी है इस कार के इंटीरियर के साथ विच इज ब्लैक, और साथ ही हमने सीट कवर्स इंस्टॉल करी है। सीट कवर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं बता दूं इसमें सनग्लास होल्डर भी हमने लगाया है। एज यू कैन सी हुंडई जिम्नी सनग्लास होल्डर इंस्टॉल की है हमने, और इसके साथ हमने सीट कवर इंस्टॉल किया है स्टैलियन की। यू कैन सी नापा लेदर स्टैलियन सीट कवर्स। और इसके साथ मैं आपको इसके रियर पार्ट भी चेकआउट कराऊंगा। और मोडिस्टो की प्रीमियम 70 मैट भी इंस्टॉल की है हमने इस कार में, आप देख सकते हैं 70 मैट की फिटमेंट। मैक्सिमम क्रेटा के कार्स के साथ हमने 70 मैट का यूज किया है। सो इस कार में हमने डोर को डैम्प किया है, टू लेयर डैम्पिंग हुई है इंक्लूडिंग डिक्की, ऑल द डोर पैड्स एंड डिक्की। नेक्स्ट जो हमने इंस्टॉल किया है इसमें ऑडियो सर्कल की स्टटगट लाइन की कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल करी है, और इन द रियर स्टेज वी हैव इंस्टॉल्ड ऑडियो सर्कल कोएक्सियल स्पीकर्स। आप यहाँ देख सकते होंगे दिस इज ओरिजिनल हुंडई जेन्युइन कैप विच वी हैव इंस्टॉल्ड फॉर द ट्विटर्स, सो इस कारण से आपको ट्विटर नजर नहीं आ रही होगी, और साथ ही स्पीकर्स बिहाइंड द डोर पैड्स। सो हमने इस कार में 10.25 इंचेस 2+32 की 36 बैंड इक्वलाइजर वाली हाइपरसोनिक की OEM लुक, हुंडई जेन्युइन वाली OEM लुक की आपको स्क्रीन दी है विच लुक्स ब्यूटीफुल। और इसके साथ मैं इसके साउंड क्वालिटी भी चेक करवाना चाहता हूँ आपको। आपको हमारा ये ऑडियो सेटअप जहाँ की एक भी एम्पलीफायर यूज नहीं कर रखा है हमने, कोई अंडरसीट नहीं है, कोई सबवूफर नहीं है, जस्ट इन एंड्रॉइड 36 बैंड इक्वलाइजर वाले DSP सिस्टम, और उसके साथ ऑडियो सर्कल के कंपोनेंट स्पीकर एंड कोएक्सियल स्पीकर जो बेस लाइन स्टटगट लाइन वाली है। सर कैसी लगी आपको? A1 दरकार ही नहीं है एक्चुअली, अगर पर्सनल यूज के लिए यूज करना है तो इतना वो सबवूफर और एम्पलीफायर का दरकार ही नहीं, परफेक्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा साउंड का दरकार ही नहीं। सही है सर, एकदम परफेक्ट। सो आपको ये टोटल ऑडियो सेटअप विद डैम्पिंग, कंप्लीट डैम्पिंग हमने 60,000 रफली विद दिस हुंडई जेन्युइन ट्विटर कैप्स एंड वगैरह कर रखा है। सर 60,000 में आपको 10.25 2+32 36 बैंड DSP इक्वलाइजर हाइपरसोनिक की, साथ ही मूविंग कैमरा,
मैं मूविंग कैमरा भी एक बार चेकआउट करवा दूँ अपने व्यूअर्स को। ये मूविंग कैमरा जिसकी नाइट विजन वाली क्लियरिटी ऐसी है, और इसके साथ ऑडियो सेटल की कंपोनेंट, टू लेयर डैम्पिंग, इवन डिक्की हैज बीन डैम्प, चार डोर पैड और डिक्की भी डैम्प किया है, और साथ ही हमने ऑडियो सेटल की कंपोनेंट स्पीकर्स फ्रंट स्टेज में Hyundai Genuine Twitter Caps के साथ और coaxial speakers audio circle की दिए। So 60,000 में इससे बेटर आपको मिल सकता था क्या सर? मेरे ख्याल से तो नहीं मिल सकता था। ये आपने जो बेस एंजॉय किया, वो बेस कैसा था कार के अंदर सर? इससे अच्छा अगर होता होगा तो मालूम नहीं, पर अभी ये वाला अच्छा है ना सर। सो इसके साथ सर, और आपको ओवरऑल हमारे कार का काम कैसा लगा सर? एक्चुअली आपका नंबर मैंने यूट्यूब से देखा था, तो उस समय मैं काफी कंफ्यूज था कि आऊं कि ना आऊं। अच्छा। At that time I was very confused, but now I am very happy that I have came to right place. Thank you so much sir. और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि 60,000 की ऑडियो सेटअप, हाँ ठीक है 60,000 आपको लगेगा फर्स्ट टाइम, बट आपको जो फील यहाँ मिल रही है, जो बेस अंडर सीट से मिलता है जिसका 12-15-20 हज़ार तक प्राइसिंग जाता है, एम्पलीफायर फिर 12-15 हज़ार जाता है, सोनी के 7-8 हज़ार तक आते हैं, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। ये हमारे जो स्पीकर्स हैं, इट कैन वर्क विद अ हेड यूनिट ऑफ एज लो एज 15-20 RMS के हेड यूनिट के साथ वो काम कर सकती है। इसीलिए मैं जर्मन ब्रांड ऑडियो सर्कल को सल्यूट करता हूँ, और हर नए कार के साथ इवन आई हैव अदर ब्रांड्स एज सच, आई फर्स्ट स्टेज में मैं सजेस्ट करता हूँ ऑडियो सर्कल। इसलिए सर ऑडियो सर्कल को क्या देंगे, थम्स अप देंगे? फुल थम्स अप देंगे, फुल मार्क्स। थैंक यू सो मच सर। सो जैसा कि मैंने आपको दिखाया क्रेटा रॉक की ओवरऑल फिटमेंट, जहाँ पे Hyundai Genuine के प्रोडक्ट्स और हमारे ऑडियो सर्कल के स्पीकर्स और हाइपरसोनिक के एंड्रॉइड सिस्टम भी हमने इंस्टॉल किए हैं, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग अदर स्टेट्स में भी रहते हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट, आपको जो चीज हम देने वाले हैं उसके लिए आप हमारे पे ट्रस्ट करके आ सकते हैं, और डोंट वरी, आपको जो भी जिस तरीके से भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके साथ जरूर कोऑपरेट करेंगे, और जैसा लगे जितने कम टाइम में आपके लिए कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। टिल देन नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब।